गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज है सैटरडे, आई थिंक दिसंबर का, आज आई थिंक दिसंबर का ये फर्स्ट सैटरडे। तो आज मैं जाने वाला हूँ काका के साथ शॉपिंग के लिए, जो मेरे ऑफिस में है उनको कपड़े लेने थे, क्योंकि हम लोग को जनवरी में ट्रिप है, तो उसके वजह से मेरे को जाना है शॉपिंग के लिए। मुझे कुछ चप्पलें, शूज़ और शॉर्ट लेने थे, तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इवन मैं दो मार्केट जाने वाला, एक तो दादर अफेक्स, तो अफेक्स का आपने मेरे चैनल पर एक और एक वीडियो था, आपने देखा नहीं रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो चलो फटाफट मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो मुझे पहले जाना है ऐसे दादर, दादर से भी जाएगी हम लोग अफेक्स में भी। चलो मिलते हैं, और फटाफट मैं नाश्ता वास्ता कर लिया। फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं रील्स डालते रहता हूँ मार्केट का। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो गाइस वेलकम टू दादर मार्केट। दादर मार्केट वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट इन द मुंबई फॉर द वेजिटेबल्स और फ्लावर के लिए ज़्यादा फेमस है। तो जैसे आप आओगे ना, देखोगे यहाँ पे भाजी बहुत ज़्यादा सस्ता है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पे मिलता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप वीकली अगर परचेस करते हो तो ये बिफोर, अगर आप उतर रहे हैं CSTM तो उसके पहले ही दादर लगता है, तो आप उतर के भाजीपाला भी ले सकते हो। यहाँ पे फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा ताजे थे, और यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, ये जनता मार्केट है। अगर आपको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप जनता मार्केट में आना, ये होलसेल के लिए ओनली, तो होलसेल में आप बल्क बाय कर सकते हो, या फिर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ से बल्क में कपड़े खरीद के आप रिटेल में बेच सकते हो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है दादर में, और मुंबई का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे बच्चों से लेके बड़े तो के हर किस्म के कपड़े आपको मिल जाएंगे, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, बट आपको होलसेल में मिलेंगे, तो आपको होलसेल में लेना ये चीज़ें। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, बच्चे लोगों का ये फ्रॉक मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, बट आपको ये होलसेल में लेना पड़ेगा। तो ये काका को, काका की लड़की को होलसेल में कपड़े लेने थे, इसीलिए हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा मार्केट देख लिया। एक्चुअली मैं ये मार्केट नहीं देखा था, काका की वजह से मुझे जनता मार्केट देखने मिला। तो सॉरी फॉर द माई वॉइस, बिकॉज मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है, मैंने बहुत ज़्यादा घुमा ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ना आपको अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे, कुर्तीज़ मिल जाएगी, बट आपको होलसेल में लेना पड़ेगा। और ये है मतलब इनर वेयर भी आपको मिल जाएगा, अच्छे क्वालिटी के और अच्छे ब्रांड के भी मिल जाएंगे। जैसे मैं देख रहा था तो बहुत अच्छे ब्रांड के, गर्ल्स के, बॉयज़ के, मेंस के, हर किस्म के मिल रहे थे। तो काका की लड़की को हम लोग को जो ही लेना था हम लोग ने ले लिया यहाँ से। अभी हम ना ट्रेन पकड़ी है विटी से, और यहाँ से हम पहुँच गए अभी विटी स्टेशन। विटी स्टेशन जैसे आप आओगे ना बाहर, मला अजून घ्यायला, तो विटी स्टेशन ऐसा कुछ दिखता है। तो सैटरडे को ऑलमोस्ट थोड़ा खाली था, तो फिर यहाँ इज वेलकम बैक। और हम लोग आ गए अभी CST, काका है गौतम काका, इनको शॉपिंग करना है, और मैं ना पागल जैसा कर दिया दादर। हाँ ही बगा बाजी घेतली मी दादरवरून, चुकीचे केले ना खूप काका। काका बोलता है खूप जास्त चुकीचे केला, ॲक्च्युली हे उठा के मेको ना फिर पूरा CST घूमना इनके वजह से। इन्होने मुझे दादर में लेके गया, एंड देन अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, एक जन का और वेट कर रहे हैं, तब तक मैं अपना भाजी संभालता हूँ, काका को भी संभालता हूँ, तो फटाक से हम लोग मिलते हैं जाके। नहीं नहीं संभालना पड़ेगा, भाजी से ज़्यादा वजन तुम्हारा है। तो अभी हम लोग CST में है, अभी यहाँ पे भाजी यहीं पे बेचेंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, शॉपिंग हो जाए। तो चलो मिलता हूँ आपको मार्केट जाके। अब ब्रिज के नीचे से क्रॉस करोगे ना, तो ब्रिज के नीचे से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट देखा था, ये ऑनलाइन देखा था, ये 500 to 600 सेम क्वालिटी सेम था, बट यहाँ पे मुझे 100 में मिल गया था ये। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही था, क्योंकि मेरे को ऐसा शॉर्ट्स पसंद है वाइट वाला, तो लेना था तो मैंने वाइट कलर में ले लिया। तो भैया जी से आप बार्गेनिंग मस्त करना, जैसे आप इंटर कर रहे हो तो आपको एक बड़ा सा ये दिख जाएगा, क्या ग्राउंड दिख जाए, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ ही से स्टार्ट हो जाए, साइड साइड में बहुत कुछ लगा होता है। तो जैसे मैं गया ना, तो मेरी नज़र इस शूज़ के ऊपर पड़ी, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, फॉर्मल, कैजुअल, आपको जैसा चाहिए, पार्टी वेयर, बूट, एक्चुअली आई लव दिस बूट, तो मैंने एक बूट भी परचेस कर लिया अच्छा खासा। आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छा करना है यहाँ पे, झगड़ा झमेला नहीं करना, और जाओगे तो ग्रुप में जाना, क्योंकि भैया थोड़े एग्रेसिव होते, अगर आपने एक बोल दिया तो वो दो बोलेंगे, तो आप क्लाम से बात करना, एकदम साइलेंस बात करना ही चाहिए, तो आप चले जाना आगे। और ये काका को ने ये शर्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और कलर काका के ऊपर बहुत ज़्यादा सही लग रहा था, तो ये बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है। इस शॉप में भी बहुत अच्छा कलेक्शन था शर्ट के,
तो हम लोग ने काका के लिए ले लिया। ऑफिस वेयर बोलो, कैजुअल पार्टी वेयर, सब कुछ आपको एक ही मार्केट में मिल जाएगा। और वैसे मेरी नज़र है ना ज्वेलरी पे पड़ी, गर्ल्स लोगों के लिए भी है ज्वेलरी। जस्ट स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से 50, 30, 40 ऐसे स्टार्टिंग है। और ये बॉयज़ के ना मतलब फैंसी मतलब डिस्को वेयर भी थे कपड़े, गर्ल्स लोगों के लिए वेस्टर्न वेयर थे। ज़्यादा करके आपको वेस्टर्न कैजुअल दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, पार्टी वेयर भी मिल जाएंगे, पार्टी वेयर ही ऑलमोस्ट ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे ना बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करना, और हो सके तो आप ग्रुप में जाना, 4-5 लोगों का ग्रुप। ये बैग का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बॉलीवुड टाइप सब कुछ यहाँ पे था। एक से एक बैग था, ये जैसे स्टार्टिंग 200-400 से स्टार्टिंग था। शर्ट बीट भी बहुत अच्छे थे, बैग्स के कलेक्शन भी इवन बहुत ज़्यादा सही थे। जैसे जैसे आप आगे जाते हो ना आपको वैरायटी मिलता है कि बैग्स के, ये देखो ना कितना अच्छा कलेक्शन है इनका। और जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको गर्ल्स लोगों के लिए वेस्टर्न और कुर्ती सेट भी मिल जाएगी, जो स्टार्टिंग 300 से 400, 500, 1K के अंडर था। ये बैग जस्ट 102 रुपीज़ का था, 102 रुपीज़। और ये शर्ट टी शर्ट, एक्चुअली बैग प्रिंटेड बहुत ज़्यादा चल रहा था तो मैं दिखा रहा हूँ काका को। एक्चुअली आई लव दिस। 250 तक, और 250 या 300 तक आपको मिल जाएगा अगर आपने अच्छा बार्गेनिंग किया तो। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अगर आपने ऑनलाइन देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा महंगा, 600-400 तक का। ये गर्ल्स होगी, जैसे जैसे आप आगे जाओ मार्केट बहुत बढ़ाएगा गाइस, ट्रस्ट मी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आते जाएगी कि मुंबई में कितने फेमस मार्केट है। तो ये कैब्स भी थे, शूज़ थे, बहुत कुछ था एक ही मार्केट में। ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगा। मेरे को एक्चुअली बूट की कलेक्शन बहुत ज़्यादा सही लगी, शूज़ की कलेक्शन, तो मैंने बूट भी परचेस किया। आपको मतलब कॉपी मिल जाएगा, 3rd, 5th, 6th कॉपी मिल जाएगा यहाँ पर। काका को आई थिंक पर्सनली शूज़ लेना था तो वो शूज भी हम लोग देख रहे थे। बच्चों के लिए भी शूज है, गर्ल्स और बॉयज के लिए। यहाँ पे गॉगल्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएगी, बस बच्चे लोगों के भी। किड्स वेयर भी अच्छे थे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही थी। और मार्केट देखो कि भाई क्या मस्त लग रहा है। गर्ल्स हो गए, कुर्ती भी बहुत सुंदर है, टॉप्स भी पूरे बॉलीवुड टाइप आपको कपड़े मिल जाएंगे, पूरे सेट। यू हैव टू मस्ट बार्गेन स्किल, आपके पास जितना बार्गेनिंग स्किल रहेगा ना गाइज, ट्रस्ट में अपना उतना अच्छा यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब भैया अगर चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं 1800-1700, आपको जितना हिसाब लगता है 300, 400, 500 ऐसे बोलना, ज़्यादा नीचे भी मत बोलना, ताकि उनको भी मतलब धंधा करते तो उनका भी मेहनत है उस चीज़ में। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो ये शूज़ का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा इनके पास। एक्चुअली यहाँ पे कैजुअल था, मतलब फॉर्मल वेयर था, पार्टी वेयर शूज़ थे, डेली वेयर था, जॉगिंग के शूज़ थे। तो काका के लिए हम लोग ने ये ब्लैक वाला ले लिया था नाइकी का। तो ये काका वो कुछ 1200 रुपया बोल रहा था और हम लोग ने 450 में लिया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया 450 में लिया था। और यहाँ पे देखो क्या मस्त कलेक्शन है, और जीन्स के कलेक्शन आई लव दिस पर्सनल, बिकॉज यहाँ पे बैगी जीन्स में ले रहा था, एक नया स्टाइल था, तो ये लगेगी थोड़े जूनियर टाइप बट एक्चुअली ब्रांडेड है। तो बैगी जीन्स में ले रहा था मुझे, और पर्सनली मेरे को ये गर्ल्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको जितने भी ज्वेलरीज है आपको मिल जाएंगे, पर बार्गेनिंग करना मत भूलना। आपको 30, 40, 60 मतलब 100, 200 के बीच में ज्वेलरी अच्छा खासा क्वालिटी का, जो ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है वो मिल जाए। जो ये आलिया भट्ट टाइप कुछ था जो करण जोहर के कॉफ़ी शो में आलिया भट्ट ने बना था, ये भी आपको सेम कॉपी मिल जाएगी। यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझे फॉलो करो ताकि मैं वहाँ पर अपडेट देते रहूँ। चलो घर पर चलते हैं, मेरा वीडियो कैसे लगाना है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज़।